राजू ए राजू आई एम बैक फिर हेरा फेरी। काफी लंबे इंतजार के बाद तो फाइनली दोस्तों बॉलीवुड के इतिहास की अब तक की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी के तीसरे पार्ट यानी हेरा फेरी 3 को लेकर बहुत बड़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ गई हैं। जी हां दोस्तों, तो क्या एक खबर, बात करेंगे इस बारे में और साथ ही बात करेंगे साल 2018 में सुपरस्टार जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन को लेकर हेरा फेरी 3 की ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने के बाद बनती हुई फिल्म को बीच में क्यों बंद कर दिया गया था और अब ये फिल्म आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, आज आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, माय टॉक्स के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड में हजारों कॉमेडी फिल्में बनती हैं, लेकिन अगर आज के टाइम में भी किसी फिल्म निर्माता की पुरानी से पुरानी फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता है तो वह है फिरोज नाडियाडवाला। उनकी किसी भी पुरानी से पुरानी फिल्म को देख लो, वो आज के दौर में भी एकदम नई लगती है, जैसे कि आवारा पागल दीवाना, दीवाने हुए पागल, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, वेलकम वेलकम बैक। ये ऐसी फिल्में, आप इन्हें चाहे जितनी मर्जी बार देख लो, आप इन फिल्मों से कभी बोर नहीं हो सकते। और इसके पीछे की वजह है कि फिरोज नाडियाडवाला अपनी फिल्मों को बहुत शिद्दत से बनाते हैं। दोस्तों हालांकि फिरोज नाडियाडवाला हेरा फेरी 3 को 2010 में ही बनाना चाहते थे, लेकिन अक्षय कुमार उस वक्त अपनी बाकी फिल्मों में बहुत बिजी थे, जिसकी वजह से उस वक्त फिल्म को रोक दिया गया था। हालांकि बाद में ऐसी खबरें आई कि अक्षय कुमार अपनी फीस बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस फिल्म पर काफी टाइम तक काम नहीं हुआ और 2018 में अचानक से हेरा फेरी 3 की अनाउंसमेंट हो गई, वो भी जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, परेश रावल और सुनील शेट्टी के साथ। और फिल्म को कुछ परसेंट शूट भी किया गया था, लेकिन फिरोज नाडियाडवाला ने उस वक्त फिल्म को फिर बंद कर दिया था। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके पीछे की वजह थी कि फिरोज नाडियाडवाला को अक्षय कुमार के बिना ये फिल्म अधूरी लग रही थी। दोस्तों अगर फिरोज नाडियाडवाला चाहते तो उस वक्त फिल्म को कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन वो हमेशा ही अपनी फिल्मों को बहुत शिद्दत और दिल से बनाते हैं ताकि उनकी फिल्में लोगों के दिल से कनेक्ट हो सके और सालों तक याद रखी जाएं। और ये एक अच्छे फिल्म निर्माता की पहचान होती है कि वो पैसों से ज्यादा ऑडियंस को समझते हैं, और इसीलिए अब जाकर फिल्म को फिर से अक्षय कुमार के साथ बनाया जा रहा है, जिसके बारे में फिरोज नाडियाडवाला ने खुद अपने इंटरव्यू के दौरान कहा है। और खबरें ये हैं कि फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट है और बहुत जल्द फिल्म पर काम चालू होने वाला है, और रूमर्स ये तक है कि ये फिल्म 2024 तक आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप एक्साइटेड हैं अक्षय कुमार को फिर से हेरा फेरी 3 में देखने के लिए, तो वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। तो दोस्तों वेट कीजिए, मैं आपको मिलता हूँ जल्दी नए अपडेट के साथ। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।